तो आज के इस वीडियो में आप लोगों को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताने वाले हूँ कि वेस्टर्न मशरूम का खेती करने के लिए जो माइसिलियम क्या होता है और माइसिलियम कैसे रन करता है। तो दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट ये वीडियो होने वाली है। तो दोस्तों ये वीडियो जो है आप लोग शुरू से लेकर अंत तक देखें, क्योंकि ये माइसिलियम रन मशरूम की खेती के लिए जो है माइसिलियम रन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसको आप अगर समझ जाइएगा तो माइसिलियम क्या होता है, तो आपका जो है मशरूम की खेती में आपका मशरूम का बेड जो है खराब होने का 90% जो है आपका खराब होने का आप जो चांसेस कम हो जाती है। तो दोस्तों मैं बताना चाहूँगा माइसिलियम जो होता है, सबसे पहले जो लैब में बीज को बनाया जाता है तो माइसिलियम उसका जो है रन करने में लगभग 10 से 12 दिन लगता है। उसके बाद माइसिलियम रन होने के बाद जो है आपका मशरूम का बीज जो है प्योर डिटो वाइट हो जाता है। और उसके बाद सेम प्रोसेस डिटो जब वही बीज को जब आप मशरूम का पैकेट में लगा देते हैं, और लगाने के बाद जब आपको पैकेट जो ठीक 25 से 30 दिन जो है 20 से 25 दिन या बहुत सारे पैकेट में 30 दिन भी लग जाते हैं, 20 से 25 दिन जो है 100% माइसिलियम रन होने में टाइम लग जाता है। यानी कि माइसिलियम आपका माइसिलियम रन होते होते जो है आपका पैकेट डिटो जो है 100% वाइट होने में 20 से 25 दिन लग जाता है, जिसे माइसिलियम कहते हैं। तो दोस्तों वीडियो में बने रहे कंटिन्यू, अभी मैं आप माइसिलियम का रनिंग का ऐसा टॉप वीडियो दिखाने वाला हूँ, लाइव वीडियो। मैं अपने घर में जो है 20-25 पैकेट का मशरूम पैकेट लगाया हुआ था, बाकी मेरा फार्म में जो है बहुत सारा लगा हुआ है। तो मेरा घर का एक रूम में मैंने लगाया हुआ, तो उसमें इतना भयानक जो है इतना अच्छा माइसिलियम रन किया है कि डिटो जो है मशरूम को रूम को दीवार और ज़मीन जो है मेरा जो है वाइट कर दिया है। तो दोस्तों अभी टॉपिक में बने रहें, आप लोग को लाइव वीडियो देखने को मिलेगा। तो दोस्तों इधर के ना उधर के ओनली टेक ऑफ GGM के मेरे चैनल को, आप चैनल में फर्स्ट टाइम आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इसी टाइप के मशरूम से रिलेटेड और टैक्स से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए। तो दोस्तों चलिए हम आपको लाइव वीडियो का वीडियो टॉपिक जो है दिखाते हैं। हाँ तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि ये मशरूम का जो है बेड है, यहाँ पे देखिए ये मशरूम जो है निकला हुआ। उसके बाद ज़मीन जो है दोस्तों देखिए यहाँ पे जो है ये ज़मीन जो है देखिए बिल्कुल जो है माइसिलियम ज़मीन तक आ गया है, ज़मीन में जो है आ गया, ज़मीन को जो है डिटो वाइट कर दिया है। तो दोस्तों उसके बाद देख सकते हैं पहले जो है मेरा ज़मीन ऐसा था इसका सतह, और इतना माइसिलियम रन हुआ है आप लोग देख सकते हैं दोस्तों। इसका मशरूम का पैकेट में बाहर में भी पन्नी जो है वाइट हो गया है दोस्तों। इसको अगर इसे साफ करेंगे तो देखिए वाइट हो जा रहा है, ये जो है माइसिलियम है। तो दोस्तों अगर आप जो मशरूम का पैकेट जब आप पैकिंग करते हैं तो अगर देखते हैं कि माइसिलियम आपका बीज जो है 100% रन हुआ है कि नहीं, माइसिलियम अगर सही से रन हुआ है, बीज आपका डिटो पूरा वाइट रहता है, तो जो आपका मशरूम की खेती में आपका पैकेट में जो माइसिलियम 100% सही से रन करेगा और आपका पैकेट ख़राब नहीं होगा और आपका जो है प्रोडक्शन अच्छा खासा होगा। तो दोस्तों इसमें देख सकते हैं ये कटिंग जो मशरूम मेरा निकला हुआ है, ये मेरा थर्ड कटिंग का निकला हुआ है दोस्तों। देख सकते हैं कि कैसे जो है ये, और ये छोटा छोटा जो आप लोग देख रहे हैं छोटा छोटा, ये इस पैकेट का जो है फोर्थ कटिंग के लिए ये निकला हुआ है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं इस बेड में जो है देखिए यहाँ पे ये भी निकला हुआ है, ये अभी बड़ा होगा। इसके बाद इस सेकंड में थर्ड में फोर्थ में ये सिक्का सिस्टम में मैंने लगा के रखा है घर में कुछ पैकेट। तो दोस्तों यहाँ देख सकते हैं इस पैकेट में भी देखिए यहाँ पे सारा पैकेट में जो है ये देखिए दोस्तों माइसिलियम मशरूम का पैकेट से बाहर जो है कितना अच्छा रन किया, पैकेट के अंदर तो रन किया ही किया है, बाहर में भी इतना अच्छा रन किया है कि पर हम मशरूम का पैकेट के ऊपर में भी जो है वाइट हो गया है। तो दोस्तों इस टाइप से जो है आप लोग जब मशरूम के फॉर्म में जब आप पैकिंग करें तो मशरूम के बीज को जो है चेक करके परचेज करें, और ताकि जो है माइसिलियम रन करने में जो है आपका दिक्कत ना हो। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करना ना भूले। फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।